हाय गाइस, हाउ आर यू, वेलकम माय चैनल। तो आज मैं जो आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कोई मेकअप नहीं, वो है फेशियल हेयर ब्लीच। तो मैं आज आपको चूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे लगती है स्किन पर, और जो इसका रिव्यू और डेमो दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी, तो मैं ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है जीजी जेंटल ब्लीचिंग क्रीम लाइटनिंग फेस आर्म एंड लेग हेयर। तो ये जो प्रोडक्ट था मैंने सैली ब्यूटी सप्लाई से परचेस किया है। तो वैसे इसकी प्राइस 839 है, लेकिन मुझे डिस्काउंट में 755 की मिली है। तो मैं आज आपके सामने इसका डेमो करूंगी और फेस पे दिखाऊंगी कि कैसे हम लगा सकते हैं और कैसे ये अप्लाई होती है, तो क्या रिज़ल्ट देती है। बट आप इसे तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्किन पे कोई बर्निंग नहीं होगी या कोई इचिंग नहीं होगी। अगर आप ऐसे कुछ फील करते हैं तो आप तुरंत उसे साफ़ कर दें, नहीं तो अपने रिस्क पे ही आप ये लगाएं। तो एक बात और शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले ये वाली क्रीम है जो ये भी हेयर ब्लीच ही है, बट ये सैली हैंसर की है। तो ये मैंने पहले यूज़ की थी, लेकिन जब मैं इनको लगा रही थी तो मेरे बर्निंग होती थी, तो मैंने एक दो बार अप्लाई किया, थोड़ी थोड़ी डेवलपर की थोड़ी मात्रा थोड़ी कम की कि शायद मेरे ठीक हो लगे, मुझे स्किन पे बर्न ना हो, इचिंग ना हो। लेकिन नहीं, ये कभी भी मुझे सूट नहीं की और मुझे लगाते वक्त ही अपना फेस साफ करना पड़ा, धोना पड़ा। तो ये मेक श्योर करें कि आप हमेशा देख लें कि आपके स्किन पे सूट होती है कि नहीं, तभी अप्लाई करें, नहीं तो नहीं। तो ये जो है ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो चलो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कैसे अप्लाई होती है, क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये दो ट्यूब इसमें आती हैं और एक स्पैचुला और एक कंटेनर। तो जो फर्स्ट क्रीम है वो है फर्स्ट ब्लीचिंग क्रीम, और सेकंड वन है एक्टिवेटर। तो इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शन पेपर आता है तो सब लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है इसे, कैसे नहीं करना। तो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। लेकिन मैं भी बता दूं तो वो इसमें है कि आपने जो नंबर वन है वो ये पूरा आपको ये लाइन सी दी हुई है, इन आपको देख रही है कि नहीं। तो अगर आपने ये पूरी लाइन ली, उसके हाफ का हमने एक्टिवेटर लेना है। तो मेरे हिसाब से मैं आज जो लूँगी अपने मेजरमेंट से ही लूँगी, तो जितनी ये ट्यूब लूँगी उससे मैं आधी से भी आधी मैं अपना डेवलपर यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहती, या जो मेरे मुझे पता नहीं मेरी स्किन पे ये कैसे रिएक्ट करे। तो इसलिए मैं आपको इसकी आधी क्वांटिटी जितनी लूँगी, अपने फेस पे जितनी लग जाए तो उससे तो थोड़ी कम, लाइक थर्ड हिस्सा जो थर्ड पार्ट है वो मैं लूँगी, मतलब आधा नहीं लूँगी, आधे से कम लूँगी। तो मैं अभी ये मिक्स करूँगी तो फिर अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। तो गाइज, आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्रीम और डेवलपर को, दोनों को, एक्टिवेटर या डेवलपर जो भी आप बोलना चाहें, तो ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस, जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा बाल लगें, जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ अप्लाई करें। मैं इससे नहीं तो अपने मैं हाथों से अप्लाई कर लूँगी। थोड़ी सी बर्निंग हो रही है मुझे, आपने ऐसे जहाँ जहाँ बाल है आप लगा सकते हैं। ओके गाइस, सो मुझे तो इस फेशियल क्रीम ने डिसअपॉइंट कर दिया दिस, बिकॉज मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे बर्न होने लगा, तो मैंने उसी टाइम ही ब्लीच को उतार दिया।
मैंने बहुत तरीकों से अप्लाई किया, जैसे मैंने अपने यहाँ थोड़े थोड़े लगाने की कोशिश की, जहाँ तो बाल ज़्यादा हैं तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक्टिवेटर डाला, इतना सा, और इतनी क्रीम होगी कम से कम, तो थोड़ा सा एक्टिवेटर डाला, लेकिन फिर भी मुझे जलन हो रही थी बर्न, तो मैंने उसी वक्त अपना फेस साफ कर दिया। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मे भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये फेल प्रोडक्ट निकला। मुझे बहुत हाई होप थी कि चलो भाई देखते हैं शायद तो थोड़े लाइटर अप करेगी मेरे हेयर, बट नहीं, तो इसलिए जे मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।